आना होगा। भाई मैं सब बातों के लिए जहनी तौर पे बिल्कुल तैयार नहीं। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम कोई भी फैसला तुमसे पूछे बगैर नहीं लेंगे। लेकिन लेकिन मम्मी और बाबा को लगता है कि नासिर का रिश्ता ही तुम्हारे लिए मुनासिब रहेगा, और उनको इस तरह बिना किसी वजह के मना करना ठीक नहीं लगता। और आप, आपका क्या ख्याल है? करीम, तुम जानती हो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी खुशियां हैं। अब रिश्ता नासिर का हो या किसी भी और लड़के का, मेरे लिए सबसे अहम तुम्हारी रजामंदी है। भाई प्लीज, मैं इस घर में रहना चाहती हूँ आप सबके दरमियान। मुझे फिलहाल किसी और रिश्ते की जरूरत महसूस ही नहीं होती। करीम, मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं, लेकिन हमारी फिक्र मत करो। तुम्हारे नाजुक कंधे इस घर का बोझ उठाने के लिए नहीं बने, और हम सभी तो चाहते हैं ना कि तुम्हारा फर्ज हम अच्छे से अदा करें। और जिंदगी का क्या है, वो तो चलती रहेगी, और हम नहीं चाहते कि इस गाड़ी का पहिया खींचते खींचते तुम्हारे हाथ शल हो जाए। भाई मैं इस घर का फर्द हूं, हिस्सा हूं, मेरी मेहनत और मुशक्कत को प्लीज जबर मत समझे। दुरुस्त कहा तुमने, लेकिन हर चीज का अपना एक वक्त होता है। तुम्हें अभी अपनी जिंदगी में कौन घर बसाना है, हिज्रतों के भी मौसम होते हैं, हर परिंदा सही वक्त पर उड़ान भरता है, यही जिंदगी का दस्तूर है। चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूं, क्या करना है बताओ। मैंने कहा था ना आपसे, सोच और नजर का रवैया बदल के देखेंगी तो आपको हरीम और उसके घर वाले बिल्कुल ही बेहतर नजर आएंगे। सच्ची बात यह है कि उस लड़की का हुनरमंद होना और मेहनती होना भाग गया। बस मुझे ये दो खसूसियात अगर होना औरत में तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती। अब तेरे अब्बा का क्या कारोबार था, दुनिया देखती थी, अल्लाह बख्शे उन्हीं की वजह से ये सब कुछ है ना। लेकिन मैंने आज तक नया फर्नीचर ना लिया, अब ये देख ले दोनों कलाइयां भी खाली पड़ी, क्योंकि यही सोचा था कि कोई नेक बख्त बहू आएगी तो घर में हरियाली और खुशियां ही खुशियां होंगी। और पता है भाई, अम्मा जो भी सामान खरीद के लाती है ना, उठा के मेरे जहेज के लिए रख देती है। अरे भाई तो और क्या, हम किसी का घर भरने के लिए अपनी जेबें खाली कर रहे हैं तो कोई नेक बख्त हमारा घर भी तो भरेगी ना। तेरे अब्बा का इतना अच्छा कारोबार था कि क्या बताऊं तुझे। देख नासिर, जी भर के जहेज लूंगी मैं, जितनी मेरी ख्वाहिशात है सब पूरी करूंगी मैं, ये कोई तरीका नहीं है। किसी किस्म की रियायत, किसी किस्म की मुरव्वत नहीं मानूंगी। कसम कुर्सी, गुर्बत, बेकसी, इस किस्म के लंगड़े लूले जवाब नहीं चाहिए मुझे। अपने दोस्त रूफी को बता देना। उन्होंने कौन सा हाँ कर दिया जो तुम ख्याली पुलाव की यखनी चढ़ा रही हो यहाँ? अरे ना क्यों करेंगे, वो गरीब बेचारे शुक्र करेंगे अल्लाह का, वो तो ऐसी ड्रामेबाजी दो चार दिन ले लिए, उन्होंने इज्जत भी तो रखनी होती है ना। तुझे क्या पता, तेरे अब्बा के कारोबार की इतनी धूम थी, इतनी धूम थी पूरे मोहल्ले में, सबसे पहले हमारे घर में टाइलें लगी थी, मैंने लगवाई थी, सब औरतें आके देखा करती थी, मिलाद का तो बहाना ही था। और फिर वही बात, माशाल्लाह से अपना बेटा दे रही हूँ, खूबरू नौजवान, पला पलाया, हट्टा कट्टा, पढ़ा लिखा लड़का, क्यों ना लूं जहेज, लूंगी, जी भर के लूंगी। अम्मी जरा मुझे ये तो बताएं, मैं मंगनी पे क्या पहनूंगी? मैं तो मिठाई के एक डब्बे पे बात पक्की करूंगी, वो लाएंगे ना हमारे लिए जोड़े छोड़े।
हरीम तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? भाई ये ऑर्डर मुझे लाजमी देना और टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास। आप एक काम करें, आप चले जाएं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ वलीमे पर चलूंगी। नहीं हरीम, तुम्हें साथ चलना होगा। रेहान भाई ने खास तौर पर कॉल करके तुम्हें इनवाइट किया है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, हमें उनका मान रखना होगा। प्लीज तैयार हो जाओ। भाई कहकश आंटी और लाइबा बहुत मुख्तलिफ हैं, उनकी नजर इंसान को तराजू की तरह तोलती हैं। सच पूछें तो मैं जाना ही नहीं चाहती। हरीम, हमें किसी की भी एक्सपेक्टेशंस पर उतरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें फायज और रेहान भाई ने इनवाइट किया है ना, हम सिर्फ उनका मान रखने जाएंगे। और रेहान भाई कह रहे थे उनको तुमसे कुछ काम भी है। मुझसे भला क्या काम हो सकता है? वो तो जाकर ही पता चलेगा ना। चलो शाबाश, तैयार हो जाओ। हरीम, ये कपड़े और जेवरात कोई मायने नहीं रखते। तुम देखना, मेरी बहन का रोशन चेहरा देखकर किसी की भी नजरें जगमगा जाएंगी। सारी तकरीब में तुम सबसे अलग लगोगी। भाई आप भी ना। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो गया। भाई सारा कुछ चेक कर लिया ना बेटा? सारी अरेंजमेंट्स, फूल वगैरह सब वही होने चाहिए जिसकी हमने पेमेंट की है। मम्मी, ऑलमोस्ट सब कुछ चेक कर लिया एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। ये मिर्जा जो है ना, इंतहाई कोई सुस्त और यूजलेस आदमी है। कोई काम वक्त पर नहीं होता। मैंने कहा भी था कि मेहमानों के आने से पहले मुझे फोटो बूथ तैयार चाहिए, अभी तक काम हो रहा है, कम्प्लीट ही नहीं हुआ। वैसे मेरा एक क्वेश्चन है, इतने एहतमाम की क्या जरूरत थी? सब कुछ सादगी से भी तो हो सकता था। मामी फैज, मेरी जान, ये तुम्हारे किसी लेक्चर की तकरीब नहीं है। तुम्हारे बाप की शान और शौकत और तुम्हारी माँ की मोहब्बत और इज्जत की अकास है, समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ। मिर्जा साहब, कोई काम तो वक्त पर करवा लिया करें। अब फोटो बूथ तो आपने बनवाया नहीं है, लेकिन कम से कम गाड़ियों का पूरा प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी वगैरह सारे इंतजाम आपने किया कि नहीं किया? जी जी मैडम, सब कर लिया। तुमने सारी जैसा आप कहते रहते हैं करते नहीं है। हरी, अपने मन की बेरियाज खालिस दुनिया से निकल कर तुम्हें इस झूठी मुनाफिक रयाकार दुनिया में कैसे लाऊं? कैसे इस दुनिया का सामना कर पाओगी तुम? जब तक तुम इस तकलीफ का हिस्सा नहीं बनोगी, मेरे लिए सब कुछ अधूरा है। जी डॉक्टर साहब, जी आ सकता हूँ? वो अभी आना जरूरी है? ओके, लाफिस। क्या हुआ भाई, सब खैरियत? वो अम्मी के डॉक्टर की क्लिनिक से कॉल आई थी, मुझे कुछ रिपोर्ट्स उठाने जाना होगा बस। कोई परेशानी की बात है? नहीं, बस वो ये केस किसी और डॉक्टर को हैंडओवर करना चाहते हैं। अगले 5 दिन काम पे नहीं होंगे, इसलिए फाइल उठा ली है। फाइज आ गया है। तुम्हें काम करो, तुम जाओ, मैं तुम लोगों को बाद में तकरीब पर ज्वाइन करता हूँ। नहीं भाई, हम नहीं जा सकते, आप उनसे माजरत कर लीजिए। अरे क्या कर रही हो तुम लोग, अभी निकलो, मैं तुम लोगों को फौरन ज्वाइन करता हूँ। बस हॉस्पिटल से होके आ रहा हूँ। मैं अकेली आपके बगैर? छोटी बच्ची हो क्या जो अपने भाई के बगैर कहीं नहीं जा सकती? चलो फाइज वेट कर रहा है। फाइज, मुझे डॉक्टर के क्लिनिक जाना होगा, एक जरूरी काम आ गया। लेकिन क्या हुआ, सब खैरियत तो है? हाँ, तुम बस तुम हरीम को लेकर जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। लेकिन अगर तुम बोलते हो तो हम लोग पहले साथ क्लिनिक चलते हैं और फिर चले जाएंगे शादी पे। तुम्हारे घर पर तकरीब है ना, तुम्हारा वहाँ आना जरूरी है, और ये एहसान काम है कि तुम हमें लेने आ गए। कम ऑन यार, प्लीज, ये क्या बार बार एहसान की रट लगा रहे थे?
अस्सलाम वालेकुम। हरीम तुम फायज के साथ जा, मैं बाद में आता हूँ। तो फिर मिलते हैं क्लिनिक से तुम्हारे बड़ा। हाँ मैं आता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है प्लीज। भाई मैं आपका इंतजार करूंगी, डॉक्टर जो भी बताए आपने मुझे बताना है। हाँ ठीक है हरीम। किधर? पता है भाई, जब मैं अपने कॉलेज में थी ना, तो मैं अपने कॉलेज के सारी दोस्तों से पूछा करती थी कि ये गालिब को इश्क ने निकम्मा कैसे कर दिया। अब तुम्हें देख के ना मुझे तशरी समझ में आ गई है। मुझे एक बात बता, ये जो हमारी माँ है ये इतनी खतरनाक है, इससे ज्यादा खतरनाक इसकी जबान है। मैं जानता हूँ रूफी को, वो दो टोक सीधा साफ बोलने वाला आदमी है। अम्मा यहाँ पे कभी अपने कंगनों की बात कर रही हैं, कभी नए फर्नीचर की बात कर रही हैं। इतनी लालची क्यों हो रही हैं? मतलब एक बार यार रिश्ता हो जाए उसके बाद तो हम उनसे बात मनवा सकते हैं। ये मुझे लगता है अम्मा बताओ क्या चाहती हैं, कभी रिश्ता मांगने से पहले एक ट्रक भर के जहेज मांग ले उनसे। भाई आहिस्ता बोलो, अगर अम्मा ने सुन लिया ना तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना देंगी। और तुम ना फिक्र नहीं करो, मैं हूँ ना, सब समझा दूंगी अम्मा को। जाके अम्मा को समझा दे, और अम्मा को ये भी बता देना कि मैं लड़कपन से उसके इश्क में मुब्तला हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा भाई वो तुम कहकशा आंटी के घर नहीं गए थे? बड़ा शानदार कार्ड आया था वहां से तो। अरे छोड़ो, जानता हूँ मैं उनको, नौ दौलती है शेखी खोरे सब जानता हूँ उनके बारे। जो भी है भाई, मुझे तो लगता है कि तकरीब ना बहुत ही शानदार होगी। हाय कितने मजे मजे के खाने होंगे वहां पे। अरे दफा करो, वो जो इतना बड़ा लिफाफा निकलता मेरी जेब से वो कौन? कुछ भी है भाई, अम्मा से कम नहीं हो तुम, सारी सोच ना तुम्हारी अम्मा जैसी है। बेटा इंसान को हर काम में अपना मफाद पेशे नजर रखना चाहिए, ऐसे ही लोग दुनिया में कामयाब होते। अब चलो शाबाश, छुट्टी करो, चलो चलो आज की क्लास खत्म, चल शाबाश। आप दोनों के आने से गरीब खाने की रौनक बढ़ गई, किसी किसी कमी तो नहीं महसूस हुई? क्या बात कर रही हैं कहकशां, हमारी तो आंखें खुली की खुली रह गईं। ऐसी शान और शौकत और शानदार इंतजाम तो सिर्फ राजाओं महाराजाओं की शादियों में नजर आता है। सही पहचाना है वैसे आपने, मेरे पर दादा अल्लाह जन्नत नसीब करे दक्कन के नवाबों के खास मुशीरों में से थे, इसीलिए जो ये तौर तरीका अदब आदाब तहजीब आपको नजर आती है हमें विरसे में मिली है। हमारे खानदानी जेवर हो या घर के पकवान, हमारी खानदानी हशमत आपको नजर आती रहेगी। क्या ही बात है आपकी, रॉयल फैमिली है आपकी तो। आप लोग पिक्चर्स बनाओ, मैं मम्मी को देखती हूँ, एंजॉय करो। मम्मी ये तुम ना दुल्हन को बुलाए, सब वेट कर रहे हैं, पूछो नहीं कहाँ पे। जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए ने रॉयल फैमिली का हिस्सा बने हुए, सब जानते हैं। मैंने कॉल किया है, रास्ते में आते होंगे। फाइज किधर है? वो है फाइज भाई तो। फाइज भाई के साथ ये लड़की कौन है? मुझे लगता है कि फाइज भाई के दोस्त की बहन है।
ये से लेकर क्यों आया? मम्मी 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 प्लीज कंट्रोल। आपको फायस भाई का पता है ना, सबके सामने तमाशा कर देंगे। आप उनसे पूछे ना कब तक आएंगे, सब वेट कर रहे हैं। आती हूँ। आप ये पिक्चर्स बनाइएगा। It's okay. We'll just please, 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 please. Sorry, सब मेरे भाई की शादी की। हाय मम्मी, ये मेरी मम्मी है और वो सामने मेरी बहन है रायबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मम्मी ये हरीम है, रूफी की छोटी बहन। वही रूफी जो तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है? जी मम्मी वही। वो एक्चुअली इनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो वो उनको हॉस्पिटल लेके गए इमरजेंसी में, ये मेरे साथ आ गई। हाँ अच्छा किया। तुम इन सारे कामों से अगर फारिग हो जाओ तो जरा भाई की तकरीर पर फोकस कर लो, हमें भी तो लगे कि तुम हमें से हो। दुला दुला ना आ, चलिए। रही है ना पी रही है, हंस बोल भी नहीं रही। शादी से पहले उसके माँ बाप, उसके बहन भाई उसकी जिंदगी होते हैं, पर शादी के बाद उसका शौहर, शौहर का घर, दैट्स एवरीथिंग। मुराद ना सिर्फ अपनी माँ का और बहनों का, उन्हीं के इशारों पर चलता है और उन्हीं के लिए जीता है। उसे पता है मुझसे शादी तो कर ली है लेकिन मुझे अपनाया नहीं है उसने। मैं अब उसके घर नहीं जाऊंगी। हाँ भैया, ये मुराद है। जाहिर है जब हमारी फैमिली में से नहीं है तो कैसे लगेगी। वैसे काफी देर से मैं इसे फाइज के साथ देख रही हूँ, हो सकता है इसकी दोस्त हो।
प्राइस का पता है ना आपको, चैरिटी करने का शौक है उससे। अब कॉलेज यूनिवर्सिटी में तरह तरह के लोग होते हैं, गरीबों की लाइनें लग जाती हैं, ये भी लग गई होगी। ये लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं रूफी भाई भी कहाँ रह गए। जवार और मेरी तरफ से बहुत सी दुआओं और प्यार के साथ हमारे दामाद और बेटी के लिए नया घर और गाड़ी। थैंक यू सो मच, सो स्वीट। बेटा ये घड़ी हमने स्पेशली स्विट्जरलैंड से ऑर्डर करके मंगवाई, रियल डायमंड। ओह अंकल दिस इज सो ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, ओह वाओ, आई एम इन लव। और माय डार्लिंग समदन जी, बेटा ये जरा। जी, सॉरी आई वाज एडमायरिंग द वॉच। It's okay. I'm so glad you like it. I love it. Kekishan, this is from me and I hope you like my taste. Dilara, aap taste ki baat kar rahi hain? Maine itne bade shehar mein aapko chuna hai samdar banane ke liye. This is beautiful. Dekhiye to sahi. Beautiful. Bhai, Naibar Faiz ke liye koi gift nahi denge aap? Of course. Woh kya hai ke damad ji aur samdan ji थोड़ी सी एक्स्ट्रा वीआईपी है, ये लीजिए। तो अब मेरे पास दो ऐसी चीजें हैं जो मैं बार बार देखो, देखो तुम्हारे लिए क्या आया है भाई। नंबर वन भाई एंड नंबर टू, शुक्र हमना नंबर वन है। इस कदर खूबसूरत लाइबा देखो तो सही। आई होप यू लाइक इट, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। क्या बात है हमारी समधन की। हाँ माशाल्लाह, वैसे इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, ये तकल्लुफ ही किया। प्यार से। आप लोग एंजॉय करो, मैं आता हूँ। अरे क्या हुआ, आप यहाँ पे अकेली क्यों खड़ी हुई हैं? सब खैर? भाई को कॉल कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। आप मेहरबानी करके मुझे घर ड्रॉप करवा देंगे प्लीज? कैसा पॉसिबल है कि आप थोड़ी देर रुक जाए, मैं आपको खुद छोड़ के आना चाहूंगा। बस मैं चाहता हूँ ये रसूमात थोड़ी सी थम जाए, मैं आपको अमना भाभी और रायान भाई से मिलवाना चाहता हूँ। रहने दीजिए, उन लोगों के लिए लम्हा बहुत कीमती और महदूद है, आप थोड़ा सहमत होगी। ऐसे कभी कभार की सहमत रहमत में भी तब्दील हो जाती है। समझी नहीं मैं। नहीं कुछ नहीं, आप एक काम करें, आप मेरे साथ आए, मैं आपको भाई भाभी से मिलवाता हूँ। प्लीज़ आइए आइए आइए। वालदा की कंडीशन क्रिटिकल स्टेज पर आ गई है, हमें फौरी तौर पे ऑपरेट करना होगा। इसमें भी लेकिन चांसेस 30% से ज़्यादा के नहीं है रिकवरी के। आप अपने आप को ज़हनी तौर पे किसी भी खबर के लिए तैयार रखें, ठीक है? डॉक्टर साहब आप बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा, मुझे बस बताइएगा कि कितने तक का खर्चा आ सकता है ऑपरेशन पर। देखिए अंदाजन 10-15 लाख रुपये तो फौरी तौर पर डिपॉजिट करवा दें, और मजीद एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है आप इसमें देर मत कीजिए, मैं रकम अरेंज करता हूँ।
रायान भाई। हाय भाभी। अस्सलाम वालेकुम। भाई मैंने आपको बताया था ना हरीम का, ये हरीम है, ये मेरे बड़े भाई हैं रायान भाई और हमारी होने वाली भाभी हमना भाभी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर मीटिंग यू। भाई आपका बहुत जिक्र करता है। आपका भेजा हुआ गिफ्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत शुक्रिया यार फाइज, ये तो बहुत टैलेंटेड है यार। ऑफ कोर्स, बहुत बहुत शुक्रिया रियान भाई, मुझे बचपन से बहुत शौक था, कोर्सेज भी किए मैंने, अल्लाह का एहसान है बहुत अच्छा काम कर ली थी। दैट्स वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार फाइज इससे बात करो ना, सुने आप वेडिंग नाइट के लिए हमारा बेडरूम डेकोरेट कर देना। आई वॉन्ट रियली नाइस कैंडल्स एंड अ फ्लोरल अरेंजमेंट, आप कर सकती हैं? जी मैं कोशिश करूंगी, इंशाल्लाह आप लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आएगा। आपने कुछ नोटिस किया? ये फाइज भाई इस लड़की के बहुत आगे पीछे नहीं फिर रहा है? नोटिस मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, हर चीज पर नजर है मेरी। लड़की पहन कर क्या आई है, देख रही हो तुम? हमारे मेहमान क्या सोच रहे हो, किस किसी के लोगों को बुलाए हमने? रायान हमने बुकिंग कर लिया है, इतना बड़ा काम आप किसी रैंडम पर्सन को तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन भाभी बुकिंग से क्या होता है, वेंडर तो चेंज किया जा सकता है, इट्स नो प्रॉब्लम। और मैंने हरीम का काम देखा है, बहुत अच्छा है, यू गोना लव इट। और हरीम मैं तुम्हें वहाँ लेके चलता हूँ। तो कुछ गड़बड़ लग रही है, जरा शादी के फंक्शंस खत्म हो जाए ना, सबका दिमाग दुरुस्त करती हूँ मैं। तुम लोगों को आइडिया नहीं है कि मैंने कितने पापड़ बेलकर कितनी मुश्किल से रायान का रिश्ता ऊंचे घराने में करवाया, और यही मैं तुम्हारे लिए भी चाहती हूँ, फाइज के लिए भी। मगर इसे सिर्फ जमीन पर रेंगते हुए कीड़े पसंद आते हैं। अरे लाइबा बेटा, Where are your friends? वो भाई dances देखेंगे, बुलाओ। आयशा, dance तो खैर दिला रहा, आपको भी करना पड़ेगा भाई। हुसन तेरे तो सोनी नहीं, अज कोई भी बचदा नहीं, कोई भी बचदा नहीं। सोने मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदा नी, सोने मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदा नी, ओ अखां कालियां सुरमे वालियां जिस्म है कचदा नी, सोने मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदा नी। क्या कह रहे हो बेटा, अंदर नाक इनसे आएगी नहीं रखू ना है, मदद कर परवरदिगार। पापा मैंने आपकी खबर इसलिए नहीं सुनाई है ताकि आप हौसला खो दे, बल्कि आपको तो राजदार बनाया है ना, ताकि आप और मैं मिलकर अम्मी और इनकी किसी भी जहरी सदमे से हिफाजत कर सकें। आपके अभी हिम्मत ही आनी, अगर मुझे इस मुसीबत से कौन निकालेगा? देखो बेटा तुम ठीक कह रहे हो, अल्लाह मौजूद है और वो हमारा मददगार है, और फिर हम एक दूसरे के मददगार हैं, लेकिन सवाल तो अपनी जगह मौजूद है ना कि आखिर ये 15 लाख रुपए का बंदोबस्त होगा कहाँ से? उसकी आप फिक्र मत करें, मैं कुछ करूँगा। कहाँ से आएंगे इतने पैसे, कैसे हुआ इसका बंदोबस्त? प्लीज़ आप प्लीज अम्मी को मत बताइएगा।
आपको तकरीब पैसे ले गया मैंने कहा आओ। मैं माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से आपको भी आना पड़ा। मैं बहुत परेशान थी अम्मी और भाई की वजह से। ओह आई एम सो सॉरी। वैसे आपने भाई की वेडिंग नाइट के लिए डेकोरेशन की जिम्मेदारी ले तो ली है, पर आई एम श्योर ये काफी चैलेंजिंग और मुश्किल टास्क होगा आपके लिए। मैंने एक चैलेंज समझ के एक्सेप्ट किया, मैं इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा। आप अकेली नहीं होंगी, मैं आपके साथ होगा। मैं खुद आ जाऊंगी, आप जहमत मत कीजिए ना। आपने ये आई एम श्योर डेकोरेशन की तो बहुत सारे कोर्सेस किए होंगे, ये इतना तकल्लुफ और ग्रेस कहाँ से सीखा है? अपने हालात से। मुझे वो लोग बहुत इंस्पायर करते हैं जो अपने हालात से इतना कॉन्फिडेंटली हेड ऑन डील करते हैं। आपने अपनी लाइफ में आगे क्या प्लान किया? क्या मतलब है जिंदगी में आगे क्या प्लान्स है? क्या नासिर साहब ने कुछ कहा है आपसे? सॉरी, ये मेरी और आपकी गुफ्तगू में नासिर कहां से आ गया? ये मेरे जहन कहां कहां भटक रहा है, मैं क्या क्या बोल रही हूँ। मैं माजर चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। ध्यान रखिएगा। कब तक जाग रही हैं? 12 बज चुके हैं। बेटा ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, और रूफी भी अपने कमरे में और तुम्हारे अब्बा लेट गए। आज कैसी रही तुम्हारी तकरीब? जैसे अमीरों की तकरीबात होती हैं, दौलत जरूरत से ज्यादा हो तो यूं ही लुटाई जाती है। भाई क्यों नहीं आए? थक गया था, फिर तुमने शरीक होकर नुमाइंदगी तो कर दी। रूफी ने सोचा होगा कि शिरकत जरूरी नहीं। हाँ लेकिन मुझे तो बता देते, मैं परेशान होती रही कि भाई क्यों नहीं आए। परेशान मत हुआ करो मेरी बच्ची, तुम्हारी परेशान रहने की उम्र नहीं, हंसने बोलने के दिन है। हंसती रह कर क्या हुआ? कुछ जो भी प्यार आ गया। हरीम बेटा, नासिर का रिश्ता बेहतर है, मुनासिब है, हमें हाँ कह देनी चाहिए। मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहती। जल्दी क्या है आपको? जल्दी है मुझे, बहुत जल्दी बेटा। मैं अपनी नजरों के सामने तुम्हें तुम्हारे घर में हंसता बसता देखना चाहती। फिर ना सिर्फ बचपन से हमारा देखा भाला है, घर के हालात तुम बेहतर समझती हो। मेरी बीमारी सभी कुछ तो खा गई, तुम्हारी उम्र के कीमती साल में से खाने नहीं दूंगी। बेटा मैं अपनी बची हुई जिंदगी में सिर्फ इस घर की खुशियां देखना चाहती। अगर मेरी बात तुम्हारे लिए कोई अहमियत रखती है तो इनकार न कर। जैसे आपकी मर्जी और खुशी, मैं क्या कह सकती हूँ?
नासिर के घर वालों को हाँ कह दे। Come on.